Illustration 16, bills of exchange. Journalize following transactions of Arvind on 24th October. तो सारे ट्रांजेक्शन 24th October को ही हो रहे हैं. इसमें पांच अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं. ओके, रिन्यूड श्रीनाथ्स एक्सेप्टेंस ऑफ 18,000 विथ इंटरेस्ट ऑफ 380 फॉर 2 मंथ्स. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहला एंट्री होगा डिसऑनर का, जो एग्जिस्टिंग बिल है 18,000 का, उसको डिसऑनर करना पड़ेगा. फिर एंट्री होगा इंटरेस्ट जो हम उससे लेने वाले हैं उसका, और फिर तीसरा एंट्री होगा बिल मिल रहा है या कैश मिल रहा है. इस केस में कैश नहीं मिल रहा है, सिर्फ बिल मिल रहा है. तो पहला एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा, जो हमारे पास बिल है वो डिसऑनर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो श्रीनाथ अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे. ये पहला एंट्री होगा, श्रीनाथ टू बिल रिसीवेबल 18,000. दूसरा, हमें उनसे इंटरेस्ट लेने का है, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और श्रीनाथ देने वाला है, तो श्रीनाथ को डेबिट करेंगे 380 से और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे 380 से. अब नया बिल जो बन रहा है वो 18,000 प्लस 380 का बन रहा है, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और कौन दे रहा है, श्रीनाथ दे रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे. तो बिल रिसीवेबल 18,380 टू श्रीनाथ 18,380. ठीक है, ये पूरा इधर डेट लिख दिया है हमने, अक्टूबर 24, बार बार डेट लिखने का जरूरत नहीं है. और इधर 1A, 1B, 1C, क्योंकि ये पहले ट्रांजैक्शन के तीन एंट्रीज हैं. ओके, चलिए. साहिल इन्फॉर्म्ड अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस ऑफ 13,000 एंडोर्स टू साहिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड 195. तो ये अभी काफ़ी समझ में हमने कर लिया है, साहिल को पैसे देने हैं, मीनल से पैसे लेने हैं, तो मीनल को डेबिट करेंगे, साहिल को क्रेडिट करेंगे 13,195 से. दैट इज द बिल अमाउंट प्लस द नोटिंग चार्जेस. सो मीनल डेबिट, साहिल क्रेडिट, जिनसे लेने का है उसको डेबिट, जिसको देने का है उसको क्रेडिट. चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 16,400. एक्सेप्टेड अ बिल लिखा है, मतलब अरविंद ने बिल एक्सेप्ट किया है एट 2 मंथ. ड्रॉन ऑन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ड्रॉन बाय चांद एंड सन्स, मतलब चांद एंड सन्स ड्रॉअर हैं और अरविंद ड्रॉई है. फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम 19,000 एंड बैलेंस पेड इन कैश. तो हमें चांद एंड सन्स को 19,000 देने के थे, उसको हमने दो पार्ट में दिया, एक हमने कैश दिया और एक नया एक बिल साइन किया 16,400 का. इसका एंट्री होगा चांद एंड सन्स डेबिट 19,000 टू बिल्स पेएबल क्रेडिट 16,400, और जो बैलेंस अमाउंट है 19,000 माइनस 16,400, दैट इज 2,600 विल बी टू कैश. ओके, ये थर्ड ट्रांजैक्शन. फोर्थ, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट विद्याज एक्सेप्टेंस ऑफ 14,000 विच वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड. बैंक ने बताया एंड बैंक ने 105 नोटिंग चार्जेस भी पे किया. रिन्यूअल बिल, रिन्यूड बिल ऑन विद्याज रिक्वेस्ट फॉर 2 मंथ्स विथ इंटरेस्ट. तो पहला एंट्री डिसऑनर का, डिसऑनर में हमें विद्या से पैसे लेने हैं और बैंक को देने हैं. दूसरा एंट्री जो हमें इंटरेस्ट लेने का है उसका, और तीसरा एंट्री नया बिल जो हम बना रहे हैं उसका. तो पहला एंट्री होगा विद्या टू बैंक, विद्या टू बैंक 14,000 प्लस 105 रुपया नोटिंग चार्ज, सो 14,105. फिर विद्या को हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो विद्या को डेबिट किया 295 से, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया 295 से. और अब नया बिल बन रहा है, नया बिल कितने का बन रहा है, 14,105 प्लस 295. तो 14,400 का नया बिल बन रहा है, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया और विद्या को क्रेडिट किया 14,400 से. तो अभी विद्या का अकाउंट कंप्लीट हो गया. चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. नंदिता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अरविंद. तो अरविंद के पास नंदिता का बिल था ऑफ 13,550 बाय पेइंग 13,000. तो 550 हमने उसको रिबेट दिया या डिस्काउंट दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 13,000 से, कैश या बैंक, सॉरी कैश या बैंक 13,000, रिबेट या डिस्काउंट 550 डेबिट होगा, और टू बिल रिसीवेबल 13,550 क्रेडिट होगा. ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 16. थैंक यू.